हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अरे देख रहे हो कितने दूर बच्चे हैं। चैनल और अभी हम लोग आए हैं एग्रो इंडस्ट्री। और आगे का ब्लॉग तो आप लोग देख ही लोगे। मैं हमेशा की तरह कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ, जैसे कि इस बार मैं भूल गई थी ये फार्मा निकलवाना, बट फाइनली निकल गया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं मतलब अंदर, जो सर लोग जा चुके हैं, मैं पूरा आप लोग को वीडियो में दिखाऊंगी। सुंदर लग रहा है। ये सेल्फी लेने वाली लड़कियाँ, तुम लोग को सेल्फी लेना है आपके। हम लोग जा रहे हैं अब अंदर, चली गई है निकलवाने के लिए। थैंक यू। और देख रहे हो कितने दूर बच्चे हैं, तो अभी हम लोग चलते हैं पहले वहीं पे। ये है सब मशीन्स। पूरे पे 5-6 गाड़ियाँ लगा देते हैं और उसके बाद हमें कन्वेयर के थ्रू वहाँ चला जाता है। वो दिख रहे हैं आपको चौड़े चौड़े पट्टे, बेल्ट दिख रही है ना, तो उसका ही यहाँ से खोलेंगे, फिर सीधा वहाँ ले जाएगा चला के। और फिर हमारा स्टोरेज जो है, क्योंकि हमारे टैंक का यहाँ साइलोज है, तो साइलो में हम उसको स्टोरेज कर लेंगे। उससे क्या होता है कि हमारे को रात को जो है दिन रात काटना नहीं पड़ेगा। 800 टन हमारे को पर डे चाहिए, तो 500-600 टन दिन में हो जाएगा और रात में हम थोड़ा बहुत काट के उसकी पूर्ति कर लेंगे। जो है हस्त को जला करके कार्रवाई में होता है, रोटर चलता है, रोटर चलता है, डायनो घूमता है, डायनो से चलता है। देखो वहाँ बर्निंग होता है। देखिए कोयले के और से बिजली पैदा करना और जो बायोमास से बिजली पैदा करने में क्या डिफरेंस है, केवल उसके फर्नेस का, जो जगह है, जो बर्निंग जो चैम्बर है इसका बड़ा होता है, उनका थोड़ा छोटा रखा जाता है। ये स्टीम जो आप जो है गैस से बनाते हैं वो और थोड़ा सा जो है कम्पैक्ट हो जाता है, साइज का डिफरेंस होता है। इसको केवल एक एनर्जी रिसोर्स के रूप में मानिए, बाकी सब का काम है एनर्जी उससे लेकर के वाटर से स्टीम बनाना, स्टीम से अपना जो है टरबाइन का रोटर चलाना और उससे डायनेमो जो अब जो भी चलता है वो इंडिविजुअल जनरेटर है। आप बोलते हैं ये पूरा टोटल कन्वेयर है, हाँ उसके अंदर है। मेन ये है ना, इसको घुमाते हैं तो यहाँ से पावर जनरेट हो जाएगी और घूमने के बाद पावर जनरेट करने के बाद फिर हमारा ये कंट्रोल रूम हो गया। कंट्रोल रूम से यहाँ से कितना हम कंट्रोल कर रहे हैं, कितना फिटिंग चल रही है, आज अगर अभी फिटिंग भी करनी होती है ना ज़्यादा या कम ज़्यादा करनी है, तो ये हमारा 16 मेगावाट का है, 15-16 मेगावाट हमारी जो है। सो गाइज मेरे सर लोग तो नाम उसका ट्रायल ही है। पॉलिश हो गया ना, पॉलिश इस रूप में पॉलिश हमारी यहाँ आ जाएगी।
इसका क्या होगा? अब इसका हमने ये पैलेट बन जाएगी स्टीम लगा के, है ना, स्टीम से टैबलेट टाइप की, हाँ टैबलेट टाइप बना देंगे। टैबलेट टाइप बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसे इसके ऊपर प्लांट पे ले जाएंगे और हेक्सेन डालते हैं, हेक्सेन गर्म करके हॉट हेक्सेन इस पर डालेंगे, तो वो कन्वेयर है वहाँ भी ऐसे चलती रहेगी, इस पर डलता रहेगा प्रेशर, है ना, स्प्रे करते रहेंगे साथ साथ और स्प्रे के थ्रू आगे चलती रहेगी कन्वेयर। प्रोसेस है वो पूरा लगभग आधा घंटा लग जाता है, धीरे 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 प्रोसेस हो। बहुत ज्यादा छुट रहा है। सब ओवर हो गया। एंड अब हम लोग जा रहे हैं घर पे, जिसका हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ कंफर्म नहीं कैसे जाना। यही फैक्ट्री था सेल एग्री कॉमोडिटी लिमिटेड और अब हम लोग जा रहे हैं। चल सारे लोग चले गए। सो गाइज हम लोग यहाँ पर हैं मधुबन, न्यू मधुबन चाइनीज फास्ट फूड, यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम लोग को खाना है और यहाँ ये इतना फेमस है ना गाइज कि लोग गाड़ी खड़ा खड़ा कर करके खाते हैं यहाँ पर। और यही मुझे लाए हैं यहाँ पर अंजलि, कभी देखे तो नहीं होगी, पहली बार ये चेहरा दिख रहा था। सो गाइज हम लोग यहीं पर आए हैं खाने। सो गाइज यही है एंड इसको खाने के बाद बताते हैं कैसा लग रहा है। बताओ यार तुम ही खा के बताओ। हाँ यार क्रॉस ही कर लेते हैं। गाइस फाइनली बैक टू होम, हम लोग घर पे आए एंड आज का ब्लॉग आप लोग देखे एग्रो इंडस्ट्री में हम लोग गए थे घूमने। मैं ब्लॉगिंग वहीं पे जाके की थी क्योंकि ना यार मतलब रैंडम प्लान बना था, मतलब मैं जाने वाली नहीं थी क्योंकि क्या मतलब, लेकिन पहुंच गए, छोड़ो ये सब। सो हम लोग गए थे एग्रो इंडस्ट्री एंड आप पूरा ब्लॉग में तो देखे ही हो, पूरी मतलब पूरी फैक्ट्री जो भी थी इंडस्ट्री में आपको ब्लॉग में दिखाई थी, सर लोग एक्सप्लेन भी कर रहे थे तो आप लोग सुने ही होगे ब्लॉग में। और आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करने वाली हूँ और हम लोग मिलेंगे जल्दी एक न्यू ब्लॉग में। सो अभी के लिए बाय बाय।